हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मैटर्स इन इंडियन हिस्ट्री। पार्ट वन हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप वो पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम इसमें जो बेसिकली स्टडी करेंगे वो रहेगा एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मसूरी वॉर एंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में। तो गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो फर्स्ट बैटल देख लीजिए, हम स्टडी करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, जो कितने टोटल कितने वॉर हुए थे, 4 वॉर। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था 1767 से लेके 69 के बीच में। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था 1790 से लेकर 92 के बीच में। और जो लास्ट और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था 1799 में। तो आपको याद रखना है एंग्लो मैसूर वॉर टोटल हुए कितने थे, 4 हुए थे, और आपको इनके ईयर यहाँ से याद रखने हैं। आगे हम फर्दर हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था उसका देख लिया आपने कब हुआ था, 1769 से लेकर 67 से लेकर 69 के बीच में। इस बैटल में क्या हुआ था, हैदर अली अगेंस्ट द अलायंसेस ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एंड ब्रिटिशर्स। हैदर अली लड़े थे अगेंस्ट किसकी, इसके ब्रिटिशर्स, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद से, जिसमें हैदर अली क्या होते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि मिड ऑफ बैटल क्या होता है, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं वो हैदर अली की साइड में आ जाते हैं, जिससे कि हैदर अली क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। और इस बैटल का एंड होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास के साथ, जो साइन होती है इन द ईयर 1769 में, किसके बीच में, हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। तो आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से लेके 69 के बीच में, और ये बैटल एंड होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, और इसमें विजय कौन होता है, हैदर अली। और हैदर अली किसके अगेंस्ट लड़ रहा होता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ, जिनको सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो होता है 1780 से लेके 84 तक के बीच में। और इसमें जो पहला जो छोटा एक बैटल होता है इस बैटल के दौरान ही, जो वो था बैटल ऑफ प्रोटोनोवा, इसका भी आपको ईयर याद रखना है, वो होता है 1781 में। और इसमें क्या होता है, हैदर अली डिफीट कर देते हैं अगेन ब्रिटिशर्स को। तो बैटल ऑफ प्रोटोनोवा याद रखना है 1781 में, जिसमें हैदर अली अगेन जो है विजयी हो जाते हैं। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे, वेरन हास्टिंग का नाम आपको याद रखना है। और जो फाइनल बैटल हुआ था वो हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर आयरकूट, ये डिफीट कर देते हैं फिर लेटर ऑन हैदर अली को। और इसी डिफीट के बाद हारने की वजह से जो है, हैदर अली की शॉक की वजह से डेथ हो जाती है इन द ईयर 1782 में। कहाँ पर होती है, एट चित्तौड़, ये भी आपको याद रखना है गाइस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैदर अली की डेथ कब हुई थी, तो आपको ईयर याद रखना है 1782 में एंड एट चित्तौड़, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्रोटोनोवा हो गया जो होता है 1781 में, जिसमें हैदर अली जीत जाता है, लेकिन जो फाइनल बैटल होता है उसमें ब्रिटिशर्स फिर हरा देते हैं हैदर अली को, जिसकी वजह से जो है, हैदर अली की शॉक की वजह से डेथ हो जाती है इन द ईयर 1782 में एट चित्तौड़। फिर जो फर्दर बैटल होता है उसको कुछ टाइम के लिए कैरी ऑन रखता है जो हैदर अली का बेटा होता है टीपू सुल्तान, बट कोई भी आउटकम नहीं होता इस बैटल का, जिससे कि इसको एंड किया जाता है फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो साइन होती है 1784 में बिटवीन सर आयरकूट एंड टीपू सुल्तान के बीच में। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो होता है 1790 से लेके 1792 तक। और इस बैटल में क्या होता है, ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं टीपू सुल्तान को।
और उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस बैटल का एंड होता है फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम पट्टनम के साथ, जो साइन होती है इन द ईयर 1792 में। तो ये ट्रीटी किसके बीच में साइन होती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच में। जिस ट्रीटी के तहत क्या होता है, टीपू सुल्तान को 2 करोड़ रुपए कॉर्नवालिस को देने पड़ते हैं और कॉर्नवालिस इसके दोनों बेटों को भी अपने साथ ले जाता है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और इस बैटल का एंड होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के साथ, जो साइन होती है 1792 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो होता है इन द ईयर 1799 में। इस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं इसमें, टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और इसी बैटल में जो है टीपू सुल्तान की जो है गाइस डेथ भी हो जाती है। और कहाँ पर होती है? श्रीरंगापट्टनम में। तो आपको अगर याद होगा तो लॉर्ड वेलेस्ली ही वो गवर्नर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी सब्सिडरी अलायंस को इन द ईयर 1798 में। फिर टीपू सुल्तान की जब डेथ हो जाती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, तो फिर जो इनकी स्टेट होती है मैसूर, उसको भी ब्रिटिशर्स क्या करती है अपने ही अंडर ले लेती है इन द ईयर 1799 में। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, कई बार ये भी पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस के तहत जो फर्स्ट जो स्टेट थी जो मर्ज हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ वो कौन थी? हैदराबाद। और कौन से ईयर में? 1798 में। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको याद रखने हैं एंग्लो मैसूर वॉर टोटल कितने थे? 4। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें हैदर अली जो है हरा देता है ब्रिटिशर्स को। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें जो है ब्रिटिशर्स हरा देते हैं हैदर अली को, जिसकी शॉक की वजह से जो है फिर हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में एट चित्तौड़। और फिर उस बैटल को जो है फर्दर कुछ टाइम के लिए कैरी ऑन करते हैं टीपू सुल्तान। फिर जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें ब्रिटिशर्स डिफीट करते हैं टीपू सुल्तान को और साइन होती है फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। और जो फोर्थ और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आपको ये सारे पॉइंट एंग्लो मैसूर वॉर से याद रखने हैं गाइस। अब नेक्स्ट आ जाइए एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर तीन होते हैं, जो पहले आपको इनके ईयर याद रखने हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो होता है 1775 से लेके 1785 तक। और जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो होता है 1803 से लेके 1806 तक। और जो लास्ट और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो होता है 1817 से लेके 1880 तक। ठीक है, अब फर्दर हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जब फर्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है गाइस 1761 में, तो उसमें क्या होता है, जो बालाजी बाजीराव होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मराठा एम्पायर होता है उसमें पेशवा बनने के लिए बैटल शुरू हो जाती है रघुनाथ राव एंड माधोराव के बीच में। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं रघुनाथ राव को कि वो पेशवा बने। तो एक्चुअली जो रीज़न होता है इस बैटल का आपको याद रखना है वो है ट्रीटी ऑफ सूरत। वो साइन कब हुई थी? 1775 में ये साइन हुई थी ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव के बीच में। तो यही एक रीज़न बनता है इस बैटल का, जिसके की वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। तो मराठा जो थे वो बेसिकली उनका लीडर कौन थे? माधोराव। क्योंकि माधोराव चाहते थे, मराठा जो चाहते थे वो चाहते थे कि माधोराव पेशवा बने। तो मराठा क्या करते हैं, डिफीट करते हैं इसमें ब्रिटिशर्स को। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हास्टिंग। तो इस बैटल का जो एंड होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ, जो होती है 1782 में साइन। इस ट्रीटी के तहत क्या होता है, माधोराव फिर बन जाते हैं पेशवा ऑफ मराठा।
एम्पायर। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से लेके 82 के बीच में, और इसका रीज़न पूछा जाए तो आएगा ट्रीटी ऑफ सूरत। आपको ये भी याद रखना है ट्रीटी ऑफ सूरत कब साइन हुई थी, 1775 में। और इसका एंड होता है बैटल का ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ, जिसकी वजह से जो है माधोराव फिर बन जाते हैं पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1803 से लेके 1806 तक। इसका रीजन क्या है बैटल का ट्रीटी ऑफ बस्ती जो होती है साइन 1802 में, किसके बीच में, बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स डिफीट द मराठास, ब्रिटिशर्स इस बैटल में क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं मराठास को। और मराठास की अगर बात करें तो वो डिफीट करते हैं सिंधिया ऑफ ग्वालियर को, जो कि होते हैं अगेंस्ट द बाजीराव टू, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन की होती है ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए मराठा जो हैं इस पेशवा के अगेंस्ट हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बैटल छेड़ देते हैं, जिसमें कि ब्रिटिशर्स मराठा वालों को हरा देते हैं। तो आपको याद रखना है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का रीजन क्या था, ट्रीटी ऑफ बसनी जो साइन होती है बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, और इस बैटल में ब्रिटिशर्स हरा देते हैं मराठास को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है 1817 से लेके 1880 तक, और इस बैटल को जो है पिंडारी वॉर भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसमें भी क्या होता है, जो बचे खुचे मराठास ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हरा देते हैं, और उस टाइम जो जनरल होते हैं वो थे लॉर्ड हास्टिंग। और इस थर्ड मराठा एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है जो मराठा एम्पायर होता है वो टोटली आ जाता है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो आपको ये सारी चीज़ें एंग्लो मराठा वॉर से याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए एंग्लो सिख वॉर। जो एंग्लो सिख वॉर थे वो दो हुए थे। सबसे पहले आप इनकी डेट्स देख लीजिए। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था 1845 से लेकर 1846 तक। जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था वो हुआ था 1848 से लेकर 1849 तक। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है गाइस, 1848 आएगा नॉट 49, 1848 से लेकर 1849 तक। ठीक है, लीजिए गाइस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स डिफीटेड द सिख आर्मी, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, ये भी आपको याद रखना है। और इस जो बैटल के हारने के बाद जो है ट्रीटी साइन होती है वो थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसकी आपको कंप्लीट डेट भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई थी। तो आपको डेट याद रखनी है 9 मार्च 1846 को जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। और एक और ट्रीटी साइन होती है वो है ट्रीटी ऑफ बड़वाल जो होती है 1846 में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 46 तक होता है, इसमें ब्रिटिशर जो है हरा देते हैं सिख आर्मी को। जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है वो 1848 से लेकर 49 तक होता है, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। और इस वॉर के दौरान तीन बैटल होते हैं बेसिकली, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिनियावाला एंड बैटल ऑफ गुजरात, जिसको कि बैटल वॉर ऑफ कैनन्स भी कहा जाता है, जो होता है 1849 में। तो आपको कई बार एग्जाम में बैटल ऑफ गुजरात दैट इज वॉर ऑफ कैनन्स ही पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये कब होता है, इन द ईयर 1849 में। और इसमें ब्रिटिशर्स अगेन क्या कर देते हैं, सिख आर्मी को डिफीट कर देते हैं। और उस टाइम जो आर्मी हेड होते हैं ब्रिटिशर्स के वो कौन थे, चार्ल्स नेपियर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब होता है, इसका ईयर याद रखना है, गवर्नर जनरल कौन थे वो लॉर्ड डलहौजी, ये याद रखना है, और बैटल ऑफ गुजरात दैट इज वॉर ऑफ कैनन्स वो कब होता है 1849 में, ये याद रखना है। और इस बैटल के साथ क्या होता है, फिर जो सिख एम्पायर होता है वो उसका डाउनफॉल हो जाता है और वो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल जो है आ जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको बैटल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इनके दोनों पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वन टाइम में इनको याद रख पाना इज़ नॉट अ इजी टास्क। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा,
एंड तब मिलते हैं नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।